अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद गुल है। हम दोनों भाइयों का ताल्लुक पाकिस्तान केपी के नौशेरा चराट जलोजई से है। स्कैफोल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में मुझे 22 साल हो गए हैं जी। हम लोग जो सिमियन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सिमियन स्किल एक थर्ड पार्टी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है। सिमियन स्किल जो ट्रेनिंग देती है वो CISRS की ट्रेनिंग देती है, पासमा की ट्रेनिंग देती है। CISRS जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कैफोल्डिंग रिकॉर्ड स्कीम है, ये UK बेस का है और UK से हम लोग इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रेनिंग यहाँ पे कंपलसरी है। जो भी आदमी स्कैफोल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग मिडिल ईस्ट में उनके पास होनी चाहिए। पासमा जो है अल्मोनियम की ट्रेनिंग होती है, अल्मोनियम स्कैफोल्डिंग की, अल्मोनियम टावर के लिए होती है और वो भी सिमियन प्रोवाइड करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत अली है। हम दोनों भाई सिमियन ट्रेनिंग में एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। सिमियन स्किल जो कि वर्ल्ड वाइड में, जिसका बेस UK में है और इसका सेकंड ब्रांच जो है वो दुबई में है। इसकी जो मेन ब्रांचेस और जहाँ पे हैं वो सऊदी, नाइजीरिया, इराक, बहरीन, कतर और ओमान और इराक, इंडिया में है। सिमियन इंटरनेशनल जो कि प्रोवाइड करती हैं कंसल्टेंट और ट्रेनिंग की, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग और स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं जी। आखिरी में मैं एक अपने दोस्तों को, अपने नाज़रीन को, जो भी सुनने वाले हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो लोग यहाँ पे मिडिल ईस्ट में आते हैं या UAE में आते हैं, जहाँ पे भी आप आते हैं बैरून मुल्क पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, तो अगर आपको एक स्कैफोल्डिंग का जॉब मिलता है तो उसका इंतखाब करें। स्कैफोल्डिंग का जॉब अच्छा जॉब है, उसमें आपको एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा और उस अच्छे फ्यूचर के लिए आपको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अच्छी ट्रेनिंग के लिए आप लोग हमारे से रابطہ कर सकते हैं, सिमियन से रابطہ कर सकते हैं। सिमियन के वेबसाइट में जाके आप वहाँ से रابطہ कर सकते हैं अच्छी ट्रेनिंग के लिए। मेरी तरफ से आपके सब लोगों के लिए जो की मैसेज है वो है कि दो, पहले एजुकेशन और सेफ्टी के बारे में बात करता हूँ। एजुकेशन जो कि एवरीडे स्कूल डे, हर दिन हम लोग नए तरीके, नई चीज़ें हर एक दिन सीखते हैं। सीखने की कोशिश करें, आगे जाने की कोशिश करें, एज के बारे में ना सोचें कभी भी। दूसरा जो की मैसेज है वो है सेफ्टी के बारे में। प्लीज़ कभी भी जो काम करें सेफ्टी के साथ में काम करें, अनसेफ काम ना करें। अपने आप को देखें, अपने पीछे परिवार, जो ख़ानदान आपने छोड़ के आए तो उसको देखा करें और सेफ्टी के साथ में काम करें। शुक्रिया, वस्सलाम अलैकुम।